अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह तआला आप सबको खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपको इलाहाबाद पब्लिक यूनिवर्सिटी की ऑल असाइनमेंट्स एफ ए बी ए मैट्रिक एफ ए बी ए बी एड की असाइनमेंट्स आपको कैसे मिलेंगी और इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ के जरिए आप तक ये पहुँचाई जाएंगी। तो आगे बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब्ड हैं वो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट करके हमें बताया करें आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हमें भी आइडिया हो कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो हमें कैसी ला रही है। तो अब आपने वो असाइनमेंट्स आपको कैसे मिलेंगी, उनका पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये मेथड हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको असाइनमेंट्स लिखनी नहीं आती तो हम ये भी आपको बता देते हैं ये चीज़ें आपको असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, असाइनमेंट्स भी हम उनका मेथड और ये भी आता। तो इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से, और जो आर असाइनमेंट्स हैं आर क्लासेस की वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से आप ये असाइनमेंट्स हासिल करें और जल्द से जल्द अपनी असाइनमेंट्स लिखें। ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि अभी जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी असाइनमेंट्स लिख लेते हैं तो असाइनमेंट्स लिखने के बाद आपने सबमिट अपने ट्विटर को करवानी है। अगर आपका ट्विटर आपको अभी तक आपका ट्विटर लेटर नहीं आया तो आप अपना ट्विटर सर्च कर सकते हैं, उस पर आपने एक वीडियो बना चुके हैं। आपकी अगर बुक्स नहीं आई तो आप बुक्स भी अपनी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक्स कौन सी हैं अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके असाइनमेंट्स कितने मार्क्स की होती हैं, टोटल मार्क्स आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन दिए होते हैं, 10th का भी दिए होते हैं, 18th का भी दिए होते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स असाइनमेंट्स 100 के दिए होते हैं, लेकिन अगर जबकि टोटल मार्क्स ही 100 होते हैं, 100 में से उन्होंने 30% निकालना है, 30 यानी कि निकालें तो आपके 30 नंबर आपके टोटल असाइनमेंट्स के होते हैं, ठीक है। तो 30 आपके असाइनमेंट्स के नंबर मिलते हैं, आप 30 में से वो ज़्यादातर आप जितनी भी अच्छी असाइनमेंट्स लिख लेते हैं तो आपको 25, 26, 27, 28 तक दे देते हैं। और अगर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने फुल लगवाने हैं तो आपने करना क्या है, बहुत ईजी है। क्या करना है, आपने जस्ट हमें अपने ट्विटर का नंबर देना है, उसके बाद अपना जो असाइनमेंट्स जब आप सबमिट करवा दें, ठीक है, आप डाकनामे में दे दें, जैसे भी आप TCS करवाते हैं उसके बाद हमें अपने ट्विटर का नंबर दें, हम उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने आपकी नंबर करवा देंगे अच्छे से अच्छे। और इसके बाद अगर ट्विटर आगे जाने वाला है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लगाएं। जो असाइनमेंट्स हैं रामायण पॉल ओपन यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट्स हैं ये कंपलसरी है, ये लाजमी है। असाइनमेंट्स अगर आपने सबमिट नहीं करवाए तो आप फेल हो सकते हैं, फेल हो नहीं सकते, आप फेल होंगे और आपको उसका दोबारा री एडमिशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट्स अपनी जमा करवा दी है, ठीक है, तो फिर आपको एडमिशन न्यू नहीं लेना पड़ेगा। अल्लाह ना करे खुदा ना करे और ऐसा अगर आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो आपकी कंपार्ट आती है तो आप लोगों का वो री एडमिशन होगा, लेकिन आपने उसका एडमिशन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। आपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर का अपना एडमिशन भेजे वो उसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो ऑटोमेटिकली वो आपकी आ जाएगी, तो आपने उसका दे देना है, ठीक है, एग्जाम देने है। और दुआ है कि अल्लाह तआला आप सब के आप सब अपनी मंजिल में कामयाब हों और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। और करना क्या है, आपने कमेंट में आमीन कह देना है, हो सकता है कि हमारे दुआ करने और आपके कमेंट में आमीन कहने से हमारी दुआ कबूल हो जाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।